Hello class 7th, let us begin a new chapter which is chapter number 1, Nutrition in Plants. तो आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा chapter number 1st, Nutrition in Plants. तो nutrition से हमें क्या मतलब है? Nutrition से मतलब है जो हमें essential components जो हमें चाहिए होते हैं, जो daily diet में चाहिए होते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं? Nutrition बोल देते हैं. If we read out the define, just have a look in your books. The process of taking in food by an organism and used by its body is called nutrition. कि nutrition का मतलब क्या है? कि process of taking in food, कि food का लेना और उसे body के द्वारा use किया जाना, that is called nutrition. Okay, so that is clear. So now next is mode of nutrition. कि mode मतलब क्या है हमारा, कि किस तरीके से nutrition को लिया जा रहा है. Okay, so that is called the mode of nutrition. The way of taking in food is called mode of nutrition. Okay, so now first is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. So autotrophic nutrition, the name itself suggests auto. Auto का मतलब क्या होता है? खुद ब खुद, like we use the word automatically, है ना? तो उसी तरह से ये word derive हुआ है, autotrophic. इसका मतलब क्या है? Autotrophic means the organisms which prepare their own food. Okay, that is called न्यूट्रिशन. की जो क्या करते हैं? सेल्फ नरिश्ड होते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन होते हैं. वो कैसे होते हैं? कि खुद का फूड वो खुद ही बना लेते हैं. ओके, सो नाउ डिफाइन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट विच आई हैव टोल्ड यू. सो इन सो वेयर दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द टाइप्स ऑफ प्लांट्स. कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? खुद ब खुद क्या करते हैं? बनाते हैं अपना फूड, है ना? कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स, जिसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है. और इस प्रेजेंस, जो फूड बनाने का प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ओके, सो नाउ लेट अस डिफाइन फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. कि जिसके अंदर क्या किया जाता है, आपको रिएक्शन भी लिख के वहाँ पे दी गई है. कार्बन डाइऑक्साइड विद एडिशन टू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड गिव यू द ग्लूकोज. ग्लूकोज यहाँ पे क्या है हमारा? फूड है, फूड, फ्रूट, वट एवर वी कैन से. सो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड दिस विल हैपन इन द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स मीन्स the plants containing chlorophyll, the green colored substance. Okay, so now moving to the next mode of nutrition, which is heterotrophic mode of nutrition. In this type of nutrition, that is directly opposite to that of autotrophic mode of nutrition, in which the organism is dependent upon the other organism, or you can say take food from the other organisms. Okay, so now just look at this. What is? They are dependent directly or indirectly on the green plants for their nutrition. Okay, क्या होते हैं? कौन से वाले autotrophic nutrition जो लेते हैं वो क्या होते हैं? दूसरे green plants के ऊपर dependent होते हैं. Okay, so now just read it out. Herbivorous animals, which are थ्री कैटेगराइज किया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. सो हर्बीवोरस कौन से होते हैं? एज यू ऑल नो, हर्बीवोरस आर दोज विच कैन ओनली ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. ओके, एंड व्हाट आर कार्निवोरस? कार्निवोरस आर दोज विच कैन ईट ओनली एंड ओनली फ्लैश. फ्लैश मीन्स, और यू कैन से अदर एनिमल्स. एंड द थर्ड वन इज ओमनीवोरस, विच कैन ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. सो दैट इज क्वाइट सिंपल क्लासिफिकेशन. So now moving to our next part, which is types of heterotrophic plants, है ना? कि heterotrophic mode of nutrition हमने study किया, उसके अंदर जो heterotrophic plants हैं, है ना, जो कि दूसरे के ऊपर dependent है. So we have four type of that plants, which is first parasitic plants, second is saprophytic plants, third is insectivorous plants, and fourth and last is symbiotic plants. So now moving to the first and first most, which is parasitic plants. So just read a define from the book. A non-green plant which live on
the other living organism to obtain their food from them are called parasitic plants. ये parasite किसे बोला जाता है कि जो green color के जो plants हैं उनके ऊपर वो क्या करते हैं, host की तरह उन्हें use करते हैं. उनके जैसे हमारे घर पे कोई guest आता है तो हम क्या करते हैं, अपना जो हम अच्छे सा न्यूट्रिशन हम जो लेते हैं, मीन्स जो हम फूड लेते हैं हम उनको देते हैं, है ना. सो उसी तरह वहाँ पे होस्ट कौन है, हम हैं, और यहाँ पे होस्ट कौन है, ग्रीन ट्री है, ग्रीन प्लांट है. तो आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आता है सो यू विल ट्रीट फार बेटर. तो सिमिलरली द ग्रीन प्लांट ट्रीट फार बेटर टू दिस पैरासाइटिक प्लांट्स. कि पैरासाइटिक प्लांट्स क्या करते हैं, आते हैं और ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जो उनका न्यूट्रिशन होता है वो उनका न्यूट्रिशन उनसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. एग्जाम्पल फॉर दिस इज कैसकटा. कैसकटा मीन्स अमरबेल, हिंदी में इसे अमरबेल कहा जाता है, जो कि हमारे पास में जनरली इस एरियाज में मिल जाएंगे. वी हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो, कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया कि अमरबेल कैसी होती है. सो दैट इज कॉल्ड होस्ट प्लांट. ओके, कैसकटा इंग्लिश में इसको बोला जाता है, कैसकटा. एंड सम प्लांट्स आर, सम पैरासाइटिक प्लांट्स आर पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट्स. पार्शियली मीन्स, पार्शियल का मतलब होता है हमारे पास में बिल्कुल पार्शियल होना. पार्शियल मीन्स कुछ होना और कुछ ना होना, है ना, कि पैरासाइटिक है भी है और नहीं भी है. मतलब प्रॉपर करेक्टर्स पैरासाइटिक के ना होना पर पैरासाइट होना भी. सो लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ मिस्टेलेटो प्लांट. इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट होता है, जो हमारे पास में जो पैरासाइटिक प्लांट होता है, वो फूड अपना खुद ही प्रिपेयर करता है, पर जो न्यूट्रिशन है लाइक वाटर और अदर न्यूट्रिशंस है वो होस्ट प्लांट से लेता है. सो दैट इज कॉल्ड पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट्स. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, और यू कैन से सेप्रोट्रॉप्स. इनको क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं और सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी बोल सकते हैं. सो व्हाट आर दीज प्लांट्स, द प्लांट्स विच लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. इसमें क्या दिया गया है कि जब हमारे पास में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ये जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना. जो हमारी मशरूम्स हैं फॉर एग्जांपल, मशरूम्स, और यू कैन से इट इज़ अ सेप्रोफाइट, और यू कैन से फंजाई, और यू कैन से नॉर्मली यू कैन से फंगी, है ना, बट उसे बोला फंजाई जाता है. ओके, सो वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ले लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं. सो दैट आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट और सेप्रोट्रॉप्स. ओके, सो दैट इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज, इफ यू हैव टू लुक एट द शेप, सो यू कैन सी ऑल्सो इन योर बुक्स देर इज मेंशन ऑल्सो दैट इट हैज़ अ अम्ब्रेला टाइप शेप. मशरूम की शेप कौन सी होती है, अम्ब्रेला टाइप शेप होती है, राइट. सो यू हैव गिवन दैट इन द योर बुक्स ऑल्सो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज विच डू देयर वर्क बाय ट्रैपिंग द इंसेक्ट्स. कि वो क्या करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई इंसेक्ट आया, वो उस प्लांट पे इस तरह से कुछ बैठता है, तो सडनली क्या होगा, जब वो बैठेगा वो इंसेक्ट, सो द प्लांट गेट सडनली क्लोज इट्स माउथ ऐसे इस तरह से. सो जो इंसेक्ट हमारे पास में आया दैट इज गेटिंग ट्रैप्ड इन साइड दैट प्लांट, है ना, कि जो उसकी जो शेप होगी उसके ऊपर आके अगर इंसेक्ट्स बैठेंगी, या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप अपनी जिसको बोलते हैं कि फ्लाइज आके अगर बैठती हैं, मक्खियाँ आके बैठती हैं, या फिर कोई और भी इंसेक्ट आके बैठता है, वो क्या करते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं. कैप्चर करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं. दैट द नेम सजेस्ट इंसेक्टिवोरस. जैसे हमने हर्बीवोरस का आर्मीवोरस किया, सो हर्बी से बना, हर्ब से जो हर्ब खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, राइट. सो उसी तरह इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस. सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज विच कैन ईट इंसेक्ट्स फॉर देयर हैबिटेट, है ना, फॉर देयर सर्वाइवल. सो एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लांट इज पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट मीन्स इसकी शेप कैसी होती है, पिक्चर की तरह होती है. पिक्चर मीन्स मटके की तरह, है ना, पिक्चर हम उसको बोलते हैं, मटके को बोलते हैं. सो इट हैज़ अ शेप लाइक अ पिक्चर, सो दैट इज इट नेम पिक्चर प्लांट. वन अदर एग्जाम्पल ऑफ इज वीनस फ्लाई ट्रैप. तो ये हमारे पास में कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस है. एंड द लास्ट वन इज सिम्बायोटिक प्लांट्स, और यू कैन से सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस एक प्रोसेस है जो हम अभी नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसे दो प्लांट्स जो बिल्कुल साथ में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एग्जिलेशन कर लेते हैं, किसके लिए, कि उन दोनों में उसका क्या होता है, फ़ायदा होता है दोनों प्लांट्स का म्यूचुअली उसके साथ में रहने में,
ठीक है, तो म्यूचुअली क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन और सब कुछ शेयर करते रहते हैं, जिससे उन दोनों को फायदा मिलता है. ओके, सो नाउ द प्रोसेस बाय विच दे प्रिपेयर अ रिलेशनशिप एंड मूव ऑन देयर लाइफ इज नॉन एज सिम्बायोसिस. द म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, कि साथ में जो रहते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोसिस. ओके, सो द लास्ट वन, द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट इज लाइकेन. जस्ट गेट इट रिमेंबर, लाइकेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट. नेक्स्ट इज रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, कि सॉइल के अंदर क्या करना होता है, रिप्लेनिशिंग मतलब रीन्यू करना होता है, वापस उसको बैलेंस करना होता है. सो फॉर दैट, फॉर रिप्लेनिशिंग व्हाट वी डू, वी कैन प्रोवाइड द फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और यू कैन से द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स. इसके अंदर क्या होता है, जो राइजोबियम जो हमारे पास में बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कि जो एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो उसको क्या करता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है. सो वी हैव नो यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, राइट. सो द राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजिंग द सॉइल. सो दिस चैप्टर गॉट्स कंप्लीटेड, वी हैव डन दिस चैप्टर वेरी इजीली. सो यू ऑल्सो हैव टू डू दिस चैप्टर वेरी इजीली एंड क्विकली, because we have to cover it all alone. And thank you and have a nice day.